हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. Ki what is reverse flipping? Which one of the following sentences correctly explain reverse flipping? कुछ इस टाइप का सवाल बनेगा इसके ऊपर। It is opposite of flipping trend, right? Point number 3 देखिए बच्चे फटाफट। फ्लिपिंग समझ में आ जाएगी, रिवर्स फ्लिपिंग इजिली समझ में आ जाएगी। फ्लिपिंग यहां पे लिखा हुआ है रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर एन इंडियन कंपनी बिकम्स 100% सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन एंटिटी आफ्टर रिलोकेटिंग इट्स हेडक्वार्टर्स ओवरसीज। ठीक है, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं कि इंडियन कंपनी थी लेकिन उसने सब्सिडियरी बन गई वो किसी और कंपनी की, एंड हैंस उसका हेडक्वार्टर फिर वही बन गया जिसकी वो सब्सिडियरी है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज देखिए बच्चे, इंक्लूडिंग ट्रांसफरिंग ऑफ IP एंड अदर एसेट्स। तो रिवर्स फ्लिपिंग इसका एग्जैक्टली एक बार चेक कर लो। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? हाँ, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, राइट। अगर आप थर्ड लास्ट पॉइंट देखेंगे, द शिफ्ट इज ड्रिवन बाय सब्सटैंशियल मैच्योरेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं पॉइंट को। व्हाट डज इट मीन? कोई भी मतलब, कहने का मतलब ये है कि व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर रिवर्स फ्लिपिंग? क्यों होता है रिवर्स फ्लिपिंग? हाँ, मतलब कह सकते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, जिसका एक पार्ट है कि गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज देती है। हाँ, लिख लो इसमें, साइड पे डाल के लिख लीजिए, रीजंस इंक्लूड करके ऐसे कर कुछ हेडिंग डाल लीजिए। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, ऐसे ये ठीक है। और पॉलिसी और लॉ में फर्क होता है, राइट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट इज इट अ लॉ? फर्क है। और क्या होगा रीजन? अगर आप अपनी कंपनी सोचो, आप अपनी कंपनी है कोई, आप क्यों किसी जगह पे जाके खोलोगे? क्या क्या क्या, क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, ये सब कारण हो गए। हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लिखो इसको, अवेलेबिलिटी ऑफ FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सारे आ जाते हैं, एनी टाइप ऑफ इनपुट उसको फैक्टर बोल देते हैं हम, लैंड, लेबर, कैपिटल। क्या पॉइंट लिखा अभी हमने? हाँ,
इसी का सब पॉइंट बना के लिख लीजिए आप, यही एक्सेस टू वेंचर कैपिटल। जब आप रिवर्स फ्लिपिंग करते हो तो आपको वेंचर कैपिटल फंड मिल जाता है, वो एक पॉइंट भी है यहाँ पे। और हाँ मतलब इंडिया में आ गई बेसिकली, हेडक्वार्टर्स यहाँ शिफ्ट हो गया उसका समहाउ। हाँ बाहर था, अब इंडिया में। इंडिया से अगर बाहर गए इट इज फ्लिपिंग। वो कोई भी वापिस नहीं आता कोई, ये पूछना अपने कनाडा वाले रिश्तेदारों से कि कब आ रहे हो। अक्टूबर ही बोलते हैं वो कि बस अभी अक्टूबर का प्लान बन रहा है। ग्रोथ है इसकी तो बस, पर हमारा हम क्या लिखना, अभी क्या लिख रहे हैं हम, रीजंस फॉर रिवर्स फ्लिपिंग, वो ही जानना चाह रहे हैं कि कैसे। वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने पहले बोला, उसको हमने तोड़ा राइट। उसके बाद में हम गए फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में, एक पॉइंट हमने और लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी और ये सब। हालांकि वैसे एफओपी के ऊपर कमी, रिवर्स फ्लिपिंग एफओपी के ऊपर कम होता है बाय द वे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रिवर्स फ्लिपिंग नहीं हो रही। वो तो आपकी वो कंपनी इंडिया में आ ही जाएगी प्रोड्यूस करने, हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करना पड़ रहा है उसके लिए। इस टाइप की चीज उसमें आएगा। पर इसको ऐसे लिखो, कैन बी से फेवरेबल टैक्स रिजीम्स, हाँ ये सब आएगा इसमें, लिख लीजिए फेवरेबल टैक्स रिजीम्स और बेटर आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। हाँ ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, देर आर अराउंड 200 कंट्रीज, कहीं से तो बेटर होगा ना। अब देखिए, अब सही बोल रहे हो आप, एक बार ना सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अनटैप्ड पूल ऑफ डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन प्रॉमिसिंग एमर्जिंग कंपनीज, रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस फॉर स्टार्टअप्स टू गो पब्लिक। यहाँ पे हम उनको मार्केट भी दे रहे हैं ना, ऑफ वॉट। हाँ ये आखिरी दो स्टेटमेंट्स यही करना, मैं वही आपसे निकलवाना चाह रहा हूं कि कैसे, यही है मुद्दा कि यहाँ पे तभी आएगी कंपनी, क्योंकि उनका तो ये तो प्राइवेट सेक्टर है ना, इनका मोटिव तो क्या है, प्रॉफिट है ना, इनको समाज सेवा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, इनको प्रॉफिट कमाना है, वो आता है इनको करना, इनको सबसे ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना आता है। ठीक है, हाँ हमारे पास मतलब वो तो अट्रैक्ट, कैसे इसको अट्रैक्ट करेंगे हम, दैट्स वाई यहाँ पे सेंटेंस ऐसे फॉर्म किया हुआ है, एड्स टू द अपील, मेन फैक्टर्स वही वाले, समझ गए आप पॉइंट को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इट मींस जहां पे लिखा हुआ है, इट मींस फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे एंड सब्सिक्वेंटली लिस्ट ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना। हेंस जो मैं आपको पॉइंट लिखवाया है, एक्सेस टू कैपिटल, वेंचर कैपिटल, तो आपको वो यहां से वो वाला पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है जी, यूपीएससी पूछता है, इकोनॉमिक्स के सवाल ऐसे ही आते हैं, टर्म बेस्ड सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स के, मोस्टली वो टर्म्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हुए होते हैं, क्योंकि वो नए नए टर्म्स बनाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नए नए चीज़ें आती हैं जिसको बाद में इकोनॉमिक स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, राइट। सो अगर वहाँ इकोनॉमिक सर्वे अभी तो रिलीज़ नहीं हुआ है, जैसे ही वो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होता है तो
वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे वो हम कर लेंगे क्लास में डिस्कस, एक ये है। चलें जी आगे। अच्छा एनिमेशन भी है इसमें। हाँ दिस इज द अदर न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा था, दैट अर्जेंटीनाज विड्रॉल, राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बस ऐसी ट्रिवियल सी न्यूज़ है ये। जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट फेवर्स कनेक्शन विद द यूएस, दैट इज द कारण, ठीक है, दैट इज द रीजन। मतलब ऐसी आई हैव अ हंच कि हो सकता है पेपर में पूछ लें ये कि अर्जेंटीना ने क्यों मना किया, प्राइमरी रीजन क्या है, दैट इज कि नियरनेस टू द यूएस पॉलिसीज, राइट, दैट इज द रीजन। चलें आगे बच्चे। बच्चे ब्रिज का जो नाम है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो नेम बेस्ड नहीं आएगा, बट हाउ एवर क्योंकि ये एक जो बिल्ड है, जो ये हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। क्यों? क्योंकि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कनेक्ट कर देगा इसको, ये पर्टिकुलर एरिया को। जो एरियाज हैं बच्चे वो आपने यहाँ से देख लेने, दैट विल कनेक्ट दीघा इन पटना विद सोनपुर इन सारण। एक समय तक हम इस टाइप की चीज़ें इग्नोर करते थे, बट 2022 में और 2021 में ये ब्रिज वाले और ये वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं, राइट। तो वो एग्जैक्टली पूछ लेते, वो स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं बाय द वे, कि एक पर्टिकुलर ब्रिज पूछ लिया, नीचे दो तीन स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया कितनी ट्रू है इनमें से, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चे, पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे मेरे को फटाफट ढूंढ के बताइए, यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से ये कनेक्ट करेगा, कहीं लिखा हुआ है क्या इनसे? हाँ, फर्दर मोर द ब्रिज विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम पटना टू द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट डालना है हमको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ जाते हैं सवाल। आई थिंक 2020 में भी आया था इसके ऊपर सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट टच्ड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसमें ऐसे मुंबई, हैदराबाद ऐसे ऑप्शंस थे, राइट। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टैली एडिंग कनेक्ट्स 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कौन कौन सी? पढ़ा हुआ इसके बारे में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में? ये इकलौता प्रोजेक्ट जिसने आई थिंक सूरत की 100% ग्रोथ करी थी, राइट। और जहाँ जोनसी भी सिटी ये टच करता है उसमें एट एवरेज 40% ग्रोथ देखने को मिली है, एट एवरेज, इस पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट की। इट्स अ रोड प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, 4 मेजर शहर कनेक्ट करता है ये इंडिया के 4 कोनों से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इट्स कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट में ही लिख लेते हैं ना, पासिस थ्रू 12 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पासिस थ्रू 12 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। इट इज इंडियाज हाइएस्ट, लॉन्गेस्ट हाईवे नेटवर्क। लगभग 6000 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो अगर कभी तुम्हारा रोड ट्रिप मारने का मन करे तो तुम दिल्ली से शुरू करके दिल्ली पे खत्म कर सकते हो। प्रोजेक्ट कमेंस्ड इन 2001, सेमीकॉलन, कंप्लीटेड इन 2012।
मैनेज्ड बाय, कौन करता होगा मैनेज इसको? NHAI, मैनेज्ड बाय NHAI। जो टॉपिक नंबर 5 कर रहे हैं हम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में लिख रहे हैं, राइट। हेडिंग डाल लो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और चार फिंगर्स इतनी जगह छोड़ दो, मैनेज्ड बाय NHAI। अच्छा, एक जो और सवाल इसमें बनता है ना कि कौन सा स्ट्रेच लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, वो वाला सवाल बन सकता है, या फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हैं, तो मैं आपको सारे लिखवा देता हूँ। कोलकाता टू चेन्नई 1684, मैं आपको डिसेंडिंग में लिखवा देता हूँ, राइट। कोलकाता टू दिल्ली 1563, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बस लेंथ इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा किसकी है। कोलकाता टू दिल्ली 1563 किलोमीटर्स, दिल्ली टू मुंबई 1419, कौन सा बचा? मुंबई टू चेन्नई 1290। आ जाओ जी आगे, ये एक पर्टिकुलर स्कीम है बच्चे, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स, ये हमने पढ़ी हुई है अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम की ये स्कीम है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपको याद आएगा, ये इसके नोट्स बनाए थे हमने, जिसमें स्टेट्स को हम लोन देने की बात कर रहे हैं, राइट, ऑन वेरियस क्राइटेरियाज, राइट, कुछ जैसे पंजाब तो एलिजिबल ही नहीं है किसी भी क्राइटेरिया में लोन लेने के लिए, मणिपुर एलिजिबल नहीं है, राइट, तो कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं फॉर 50 ईयर्स, कि अगर कोविड से आप रिकवर करना चाह रहे हो तो, राइट, तो वो वाली ये स्कीम है, वो थोड़ी एक्सटेंड हुई है, तो हमारे लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो चीज़ हमने पिछली बार नहीं लिखी थी, दैट वॉज द बेसिस फॉर एलोकेशन, कि ये फंड एलोकेट होगा कैसे, वो हम देख लेते हैं। एक बारी स्कीम देख लो आप, लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चे, पेज नंबर 6। ये आपको वैसे याद आएगा, हमने वैसे डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्यों दे रहे हैं हम लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और क्यों नहीं दे रहे हैं फॉर दैट मैटर, क्यों कर रहे हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट? एसेट फॉर्म होता है, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ मनी, जैसे अगर आप पैसा खर्च के पैसा छापने वाली मशीन ले लो, इलीगल है, हाँ, अनलेस एंड अंटिल आप RBI हो, राइट, हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं कि यू कैन जनरेट मनी थ्रू दैट। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चे, ऑफर्स स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल वाले खासकर नोट कर लें इसको, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, और ये टोटलिंग अप टू और ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50 ईयर्स का लोन मिलेगा और इंटरेस्ट फ्री लोन होएगा। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को देगी। इसके बाद में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है नीचे, मैक्सिमम अमाउंट किसने लिया है, कौन सी स्टेट ने फंड उठाया है, ये पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार बीइंग द टॉप टू स्टेट्स।
ठीक है, और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर एंड पंजाब डिड नॉट रिसीव एनी एलोकेशन इन दिस फिस्कल ईयर, ठीक है। ये डिस्पैरिटी हाईलाइट करने के लिए ये दो पॉइंट्स गिवन है आपको, ठीक है जी, कि मिनिमम स्टेट्स किसने लोन उठाया सबसे कम। आइए बच्चे, बेसिस फॉर एलोकेशन, नंबर वन, द अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड। ये अगर कोई शॉर्ट करके लिखना चाहे अपने आप से तो आप लिख सकते हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग द होल सेंटेंसेस। द अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू स्टेट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ टैक्सेस एज पर 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। दिस द अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड among states in proportion to their share of central taxes and duties as per the award of the 15th finance commission, jitna unka wahan pe share hai 15th finance commission ke hisab se utni proportion mein hi aapko loan milega। ये जो वन लिखा है ना बच्चे, दैट इज पार्ट वन, ये आठ पार्ट की स्कीम है ये। इफ यू वांट टू राइट इट तो लिख लो, अदरवाइज नेक्स्ट से पार्ट टू लिख लेना। सेकेंड पॉइंट, पार्ट टू, एलोकेशन ऑफ 3000 करोड़। ये जो पार्ट्स है ना बच्चे, ये इसलिए है कि ये मनी यूज कहां करनी है। पार्ट टू, 3000 करोड़, एनकरेजेस स्टेट्स टू स्क्रैप गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड एम्बुलेंसेस ये इसको ना आप और शॉर्ट में लिखो या ऐसे लिख लीजिए आप, फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स, ब्रैकेट में लिख लो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो चाहेंगे कि आपके एसेट्स बिल्डअप हो, तो इनको एसेट्स माना जाता है। पार्ट थ्री एंड फोर, इकट्ठे लिख लेते हैं। पार्ट थ्री एंड फोर, इंसेंटिव्स फॉर रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट फाइव एंड सिक्स, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। विद इन अर्बन पुलिस स्टेशंस, हैव यू एवर बीन टू अ पुलिस स्टेशन जहां पे उनकी रेजिडेंस उसी स्टेशन में है, या आप शरीफ लोगों आप कभी गए ही नहीं पुलिस स्टेशन।
अच्छा, आई हैव बीन टू वन जिसमें ऐसा था कि उसका घर भी वहीं था एंड ड्यूटी भी वहीं थी. इट वॉज अ साइट टू सी. मतलब अब पुलिस मैन विदाउट पैंट्स. इट्स ट्रू. सच में मेरा तो ग्रीवेंस बताने का मन ही नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है मैं. एंड इसमें सेकंड पार्ट जो पार्ट सिक्स में है वो लिख लीजिए आप साथ ही में, मतलब सेम ही पॉइंट में. टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन. और नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये कि वन नेशन वन जो भी, उसके लिए जो भी आपको चाहिए तो वो आपको पार्ट सिक्स में लोन मिलेगा उसका. देन वी हैव पार्ट सेवन. फॉर सेटिंग अप लाइब्रेरीज. विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. एट पंचायत एंड वार्ड लेवल. सो टेक्निकली अगर आपको जल जीवन मिशन है ना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेक इन इंडिया, अगर इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको पार्ट सिक्स में लोन मिल जाएगा. राइट. बस चले आगे. डन. एट्थ पार्ट नहीं है इसमें यार मेरे पास. कहीं पे लिखा हुआ है क्या पार्ट एट पार्ट स्कीम है कि मेरे मुंह से निकला था? अच्छा मैंने कहा था. डॉक्यूमेंट में देखना एक बार मुझे, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि एट पार्ट स्कीम है ये. डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कहीं पे? हो सकता है कि एट पार्ट स्किप हो गया हो यहां से, या वो मिसलेनियस होगा. अगली क्लास में कंफर्म करते हैं. ठीक है, आप लोग भी अभी ढूंढने मत बैठना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसी में से आएगा, अगर आएगा तो आई विल सी टू इट. ठीक है, नेक्स्ट में बताता हूं मैं आपको. आ जाओ बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट. ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. ये ब्लैंक दिया मैंने यहां पे, गेस करना है हमने किसने दी होगी ये रिपोर्ट. विच प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स परफॉर्मेंस इन इंडिया. कौन दे सकता है इसको? इंडिया की एजेंसी है, बाहर की नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल एजेंसी है. ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. इंडिया की बैंकिंग का कौन सी एजेंसी समझती है? ओवरथिंक मत करो इसको, सिंपल है ये. आरबीआई. हाँ लिख लो अपने हाथ से. बहुत मुश्किल है यूपीएससी में ना ओवरथिंकिंग को अवॉइड करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना. तो इसका एक ही इलाज है जो सबसे प्रूडेंट इलाज लगता है मेरे को, पुख्ता इलाज, कि जहाँ पे एक्सेप्शन है उसको रट्टा मार लो, वो मत जाने दो. कि जहाँ तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें धोखा दे रही है ना कि तुम्हें ये लग रहा था लेकिन ये निकला, वहाँ गड़बड़ करोगे तुम. अदरवाइज यू कैन गो विद योर इंट्यूशन. तुम पढ़ ही रहे हो, इतने तुम लल्लू टाइप नहीं हो, लगा रहे हो तुम टाइम. राइट, तो कर सकते हो खुद पे भरोसा थोड़ा सा. आ जाओ बच्चे. सो ये एक ना काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये. आइए नेक्स्ट में देखते हैं, सीधा की फाइंडिंग्स पे आ जाओ, आपको मजा आएगा इसमें थोड़ा सा. और ये भी हाईलाइट होगा इसके बाद में कि हमने, अपने को याद होगा रिसेंटली हमने आरबीआई के ऊपर ना कुछ क्वेश्चन किए थे कि कैसे आपका आरबीआई फोर रनर निकल के आ रहा है. क्लाउड तक उसने बोल दिया आरबीआई ने कि हम अपना बनाएंगे डिजिटली. फोर रनर बनता हुआ, मतलब आप उभरता हुआ आ रहा है. यहाँ देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या बोलती है. नंबर वन देखिए, राइज इन फ्रॉड केसेस.
वो तो डिजिटल पेनिट्रेशन होगी तो ये सब चीज़ें भी राइज पे आएंगी. सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द फ्रॉड केसेस, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है स्टेटमेंट का. 14483, लगभग 14,000 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि पिछले साल सेम टाइम पे थे 5,300 समथिंग, राइट? यानी कि लगभग तीन गुना, थ्री टाइम्स इंक्रीज हुआ. आप इसको थ्री टाइम्स इंक्रीज करके आप अगर यूपीएससी में मेंस में लिखना चाहो तो आप ये फैक्ट कोट कर सकते हो, इवन विदाउट कोटिंग द रिपोर्ट, बाय आरबीआई लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू आरबीआई. ठीक है जी, पहला ये. दूसरा देखिए, द कार्ड एंड इंटरनेट सेगमेंट विटनेस द सब्सटेंशियल सर्ज इन फ्रॉड केसेस रीचिंग 12,000, है ना, इन H1 FY24 माने फर्स्ट हाफ, कंपेयर टू 2321, लगभग छह गुना, सिक्स टाइम्स इंक्रीज, राइट? ये रिपोर्ट बता रही है. अमाउंट भी अगर आप देखोगे उसमें भी लगभग सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा. इंक वो डिक्रीज 630 करोड़ और ये 87 करोड़. बताते हैं, गुड ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ फ्रॉड्स इंक्रीज हो गए, पर अब वो जितने फ्रॉड्स हैं वो पेटी फ्रॉड्स हैं, लिखा होगा इसमें. लास्ट पॉइंट देखिए बच्चे, पेज नंबर 7 पे, द एवरेज अमाउंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज नोटेड टू बी द लोएस्ट इन अ डेकेड. क्यों होगा ऐसा, सोचो, व्हाई इज दैट? और बताओ. किन के साथ हो सकते हैं वो? वो लोग आपके गांव वगैरह के, ये हमने किया हुआ है डिस्कस, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है कि गांव वगैरह के अंदर में फ्रॉड्स इंक्रीज हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको, उनसे बात करना आसान है, फ्रेंडली लोग हैं वो, भरोसा करने वाले लोग हैं. हम सारे हैं वैसे, वी ऑल ट्रस्ट ईच अदर, मतलब नॉट ईच अदर, मेरे को तुम पे रत्ती भर भरोसा नहीं है, बट अदरवाइज ह्यूमन काइंड ट्रस्ट ईच अदर. आपको ट्रस्ट होता है कि अगर ये गाड़ी वहाँ से आ रही है और रेड लाइट है वो रुकेगी और आप क्रॉस कर जाओगे. आप गाड़ी में बैठे, आपको पीछे वाले पे ट्रस्ट है ना? आपको रमीज सर पे ट्रस्ट है कि नहीं मारेगा चाकू मुझे, मैं जा सकती हूँ कैबिन में, मैं जा सकता हूँ कैबिन में, राइट? वी आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, ह्यूमन काइंड की खासियत है ये, ट्रस्ट, राइट? गुड ऑब्जर्वेशन, सही है. ये लास्ट में यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रॉड्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन पेटी फ्रॉड्स हैं वो, ओवरऑल अमाउंट सबसे कम है. तो क्या बोलेंगे इसको हम? इज इट अ सक्सेस और अ फेलियर? इट्स अ सक्सेस. अरे यार, पार्शियल सक्सेस क्या होता है? प्री निकल गया. पार्शियल सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती है. कन्विंस योर सेल्स, इस पे इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है. सक्सेस है नहीं है, मतलब सक्सेस वर्ड या फ्रॉड भी हम एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं और सक्सेस भी लगा रहे हैं साथ में, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस एट द बेस ओनली. वैसे तो हाँ, बस यही मैं चाह रहा हूँ कि ये करो, द्वंद करो, अंदर करो, ये वाले जो डिबेट है ना, सोचो, बनाओ ओपिनियन, बनाओ, बिकॉज अगर हमने एक कलेक्टिव ओपिनियन बना लिया तो तुम्हारे आंसर्स में से सेम खुशबू आएगी. मैं बदबू बोलने वाला था इसलिए पॉज लिया, तो आपके आंसर्स में से सेम खुशबू आएगी, राइट? बट ये इंडिविजुअली तुम मन बना सकते हो, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द फैक्ट्स. इस पे हमारे ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है कि केसेस कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं, रिपोर्ट बता रही है, राइट? एक फ्रॉड से बैंकिंग सेक्टर को क्या रिस्क होता है? हाँ, ग्रेट, लिखो बच्चे, लिख लो साथ साथ. क्रेडिबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड, एक इसके साथ का मिलता जुलता वर्ड है,
एक और है, बैंक की क्या होती है जो खराब होएगी इससे? रेपुटेशन इज द वर्ड. थोड़े थोड़े चेंजेस है मतलब वर्ड्स में, तो अगर राइट वर्ड यूज करें तो बहुत मजा आता है. लिख लो, रिस्क टू बैंकिंग सेक्टर. और बाय द वे ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है. ये रिपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस का कोई सवाल आता है और वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगा तो वो इस रिपोर्ट से आंसर किया जाएगा. इस रिपोर्ट के अंदर कमेंट्री है, एक्नॉलेजमेंट्स हैं फ्रॉड्स की, ये छोटी बात नहीं है. ठीक है, रिस्क टू बैंकिंग सेक्टर नंबर वन, रेपुटेशन. दूसरा, नहीं सही बोल रहे हो आप, इसको अलग कर सकते हैं ना हम, इसको हम ऐसे बोल देते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अगर खराब है दैट मींस लोगों का आप में ट्रस्ट नहीं होगा, है ना. हाँ, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, कि बैंकिंग सेक्टर को क्या इसमें रिस्क है. लिख लीजिए, सही बोल रहे हो आप, इम्प्लीकेशंस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इंटरेस्टिंग है ना रिपोर्ट ये. और डिजिटलाइजेशन को हैम्पर कर रही है. परफेक्ट, परफेक्ट पॉइंट, लिख लीजिए, हैम्परिंग डिजिटलाइजेशन. नहीं खुलवाएंगे अकाउंट फिर वहां पे तो फ्रॉड होता है. हेडिंग पढ़ो उसकी, रिस्क टू बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे जो हम डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं तो ये अरे वाह वाह, किसने बोला ये? गुड, बिल्कुल. और इसमें ना बड़ी खास बात एक और है इसमें, इसी में आप ऊपर सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, बिल्कुल लास्ट में, क्यों ये हमने रेपुटेशन को नंबर वन पे लिखा है वो आपको यहां से समझ में आएगा. पढ़िए, खुद पढ़िए. डिस्पाइट द सर्ज इन फ्रॉड केसेस द टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड्स बाय बैंक्स डिक्लाइंड. तो मतलब ये रियल है प्रॉब्लम, ये जो हमने रेपुटेशन वाली इरोजन ऑफ ट्रस्ट जो हम बात कर रहे हैं, लिख लो ये भी पॉइंट उसमें ना, रेपुटेशन के साथ ही एरो डाल के या कुछ भी ब्रैकेट में, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, इरोजन ऑफ कस्टमर ट्रस्ट. बेसिकली बैंक्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड्स बढ़ गए लेकिन बैंक्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं बैंक्स? वो तो बता ही दिया ना आरबीआई ने कि हैं, जो इन्होंने पॉइंट बोला था ना अभी अभी, ये वो यहाँ पे रिलेट होगा. थोड़ा सोचिए इसको, एनपीए बनता है अगर बैंक के साथ में फ्रॉड हो गया, राइट, तो बैंक का एनपीए इंक्रीज होगा. बट हमारा एनपीए ये सबसे ज़्यादा कम पे चल रहा है इन दिनों. आई थिंक लास्ट सेप्टेम्बर में इट वॉज द लोएस्ट, क्या बोलते हैं उसको, GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट. तो वो डेकेडल लो पे चल रहा है अभी, 10 साल में इतना लो कभी नहीं हुआ था, हेंस कम रिपोर्टिंग होती है, तब वो एनपीए में ट्रांसफर होगा. एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे लास्ट में, रिपोर्ट से ही है स्टेटमेंट, बिल्कुल लास्ट में जो जगह बची हुई है ना, हाँ ये कंक्लूजन सा बनेगा इसका, और आपके मेंस के आंसर प्रॉम्प्ट होंगे यहां से, क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट होंगे, तो ये स्टेटमेंट समझनी है आपने. आरबीआई एक्नॉलेजेस द इवॉल्विंग रिस्क्स, आरबीआई एक्नॉलेजेस द इवॉल्विंग रिस्क्स
कॉमा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रैक्टिसेस लिखो पॉलिसीज नहीं पॉलिसीज तो रोबस्ट है ही है रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक हमने जीएनपीए टर्म यूज किया था राइट तो मैक्सिमम एनपीए कौन से सेक्टर से आता है बैंक को एग्रीकल्चर लोएस्ट रिटेल ठीक है लिख लीजिए इसको मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये ऐसी नोट डाल के लिख लो द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज द हाईएस्ट जीएनपीए रेशो While retail loans have the lowest. जो भी सामान खरीदना होता थोड़ा बहुत हाँ जो भी रिटेल में आइटम बिक रही हैं उसके लगा खरीदने के लिए आपको लोन चाहिए नहीं 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 हाँ हाँ उसमें नहीं है ये एनीथिंग दैट इज बीइंग सोल्ड इन द रिटेल मार्केट अगर तुम्हें वो गाड़ी हाँ कुछ भी जो भी रिटेल में बिक रहा है एनीथिंग दैट इज इन रिटेल वो सामान उठा के ले जाते हैं ना फिर बैंक वाले इसलिए इसका कम है ज्यादा बेइज्जती होती है कि आपने थार तो खड़ी कर दी थी घर के बाहर लेकिन आठवें महीने में बैंक ले गया हाइपोथिकेशन होती है ना उस पर आरसी के ऊपर आपका बैंक को ओनर बनता है द बैंक इज द ओनर ऑफ योर व्हीकल अगर आपने लोन पे ली है बैंक और आप दोनों मिलके आप उस बैंक उसके ओनर हो गाड़ी के तो अगर आपने अपने पार्टनर को पैसा नहीं दिया तो वो ले जाएगा एंड हैंस चले बच्चे आगे Again, this fellow is in news yet again, right? So, Kyrgyz Republic ne announce kiya hai ki ye unka national symbol hone wala hai, right? That means ki ab phir se news mein aa gaya. Kaun? Ye bhai sahab aur Kyrgyzstan, dono. To Kyrgyzstan ko hum kar chuke hain pehle cover, I think, hai na ki kaun si bordering countries hain, ye sab. लिख लो इसको नोट डाल के लिख लो आप किर्गिस्तान कवर करना है आपको सही से किर्गिस्तान क्योंकि लास्ट ईयर यूक्रेन पे आ चुका है यूपीएससी का बहुत फेवरेट चल रहा है ये रीजन कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोलते हैं ना इनको हाँ वो वाली कंट्रीज तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वॉन्ट टू क्रैक प्रीलिम्स सो ये आपको सी ए आर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को ढंग से कवर करना है ये पिछले 2 साल से बहुत एक्टिव चल रहा है ये वाला रीजन वो तो यूक्रेन इजी क्वेश्चंस में से आ गया बट अदरवाइज इससे क्वेश्चंस थोड़े टफ आएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ उसको नहीं मैप देखा होगा तो आप डेफिनेटली 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते राइट तो देख लेना इसको इसमें बच्चे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वो दोनों तीनों चीज़ें कवर करेंगे इसके अंदर आइए बच्चे ऊपर देखिए यहाँ पे टॉप पे नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान एक तो सवाल सीधा यही बनेगा दैट स्नो लेपर्ड हैज बीन
अनाउंस्ड एज द नेशनल सिंबल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सेम सिंपल सवाल है ना. और PCS और HPS वगैरह के अंदर ये पॉसिबल है कि ये पूछा जाए डायरेक्टली, राइट. या वो पूछ सकते हैं कि नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान है ना, ये कौन से एनिमल को रखा गया है. इन दोनों में से कोई एक इंटरचेंजेबल सवाल आ सकता है. नेक्स्ट इज दैट स्नो लेपर्ड होल्ड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन किर्गिज कल्चर फीचरिंग द स्टोरी ऑफ मानस. अब आई मस्ट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट आपने तो पढ़ना ही है. मानस अ किर्गिज फोक हीरो है ना, और जो भी है कहानी कहाँ की है. तो इसके अराउंड कुछ सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है. यूपीएस थोड़ा टेढ़े दिमाग का है तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ पूछ रहे. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि फोकलोर है और जो मानस करेक्टर है वो किर्गिस्तान के फोकलोर का है बस. और किर्गिस्तान कवर करना है आपने खुद से, बाकी सब हम कर लेते हैं अभी. ऊपर लिखा हुआ विच इज प्रोटेक्टेड बाय ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम. इट इज कॉल्ड GSLEP. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम नोट डालते हैं अभी. बेसिक देख लीजिए आप. हैबिटेट, हाँ ये हैबिटेट है बच्चे. एक बार आप बोर्ड पे देखिए, जो ब्लू एरिया है ना दैट इज द रेंज ऑफ स्नो लेपर्ड. और लगभग 12 कंट्रीज हैं ये. और जो GSLEP है ये भी 12 रेंज कंट्रीज की ही ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है, ठीक है. सो दिस इज योर इंडिया, यानी कि इंडिया का पूरा आपका हिमालयन रीजन है ना. ऑन दिस माउंटेन रेंजेस एंड ऑल, ये जहां जहां पे भी आपको ब्लू दिखाई दे रहा है दैट इज द रेंज ऑफ स्नो लेपर्ड. एंड इसका स्टेटस चेंज हुआ है अभी रिसेंटली. पहले एंडेंजर्ड था एंड नाउ इट इज वल्नरेबल. प्रोटेक्शन में थोड़ी सी बेटरमेंट हुई है. आइए बच्चे देखिए डॉक्यूमेंट में, देखिए इंडियन ज्योग्राफिकल रेंज. वो तो आपको खैर यहां से कवर हो ही गया होगा कि इट इज ऑलमोस्ट होल ऑफ द हिमालयस. इसके अलावा इंडिया ने स्नो लेपर्ड के लिए क्या क्या किया हुआ है वो हमने यहां पे, मैंने नीचे आपको एक लिस्ट मेंशन कर दी है. इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये हम डिटेल में कर चुके हैं. इस साल शायद हमने नहीं किया बट इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस अब थोड़े से कम है. हिमाचल में आई थिंक इसका आ भी चुका है, किसी छोटे मोटे एग्जाम में हिमाचल में ये ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है. और शायद हरियाणा ने भी कवर कर दिया इसको, उत्तराखंड ने डेफिनेटली किया है, राइट. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये आपको पंजाब में पॉपअप होता हुआ दिखे कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है ये कौन चला रहा है, कहाँ के लिए है, क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीज़. आइए बच्चे उसके ऊपर मैं नोट डलवाता हूं आपको. GSLEP पे एक नोट डाल लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. इट इज एन अलायंस ऑफ 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज. एंड अदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे? हाँ, फंड कर रहे हैं NGOs और एक सबसे मेन प्लेयर लोकल कम्युनिटीज. थैंक यू. ठीक है, NGO, साइंटिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. आपको अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट मिले आप अच्छा संभाल लोगे उसको, है ना. सीधा पहले ही ठा करके वो है जो पैसा दे रहा है ना. द स्टेक होल्डर की अगर लिस्ट की बात हो रही है, ये आगे लिखिए आप. इट इज फॉर्म्ड अंडर बिश्केक डिक्लेरेशन, BISHKEK डेक्लेरेशन इन 2013 है ना, बाय 12 कंट्रीज. ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है. इसके इनिशिएटिव लिख लीजिए, मतलब ऐसे लिखे सिक्योर 20 बाय 2020
secure 2020 BY 2020 secure 20 by 2020 was an initiative क्या होगा ये 20 by 2020 वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ बीस क्या हाँ एम्स टू सिक्योर एटलीस्ट 20 स्नो लेपर्ड लैंडस्केप्स बाय 2020 मतलब ऐसा सवाल आएगा कि ये सिक्योर 20 by 2020 वॉज एन इनिशिएटिव अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो उसका आंसर है ये GSLEP एक और स्टेटमेंट नीचे ही लिख लो इसके साथ में द 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज आर रेंज कंट्रीज की लिस्ट देख लो वैसे बोलते रहोगे तो अच्छा रहेगा आप ही बता दो हाँ लिख लो साथ साथ में इंडिया नेपाल भूटान चाइना ठीक है ठीक है किर्गिस्तान और ठीक है तजिकिस्तान मंगोलिया ठीक है जी और कौन सा उज़्बेकिस्तान ठीक है रशिया ठीक है पर तीन स्थान और रह गए कजाकिस्तान तो हाँ कजाकिस्तान पाकिस्तान एक रह गया और ना अफगानिस्तान हो गए 12 पहले जिसने सारे लिख लिए एक बारी बताना 12 हो गए ठीक है मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल देता हूँ ठीक है जी अब ब्रेक नहीं होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये मेरे पे प्रेशर आ गया अफगानिस्तान भूटान चाइना ये ट्रिकी है इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान मंगोलिया नेपाल पाकिस्तान रशिया तजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ठीक है 12 हो गए अरे यार दोबारा मत कराओ मेरे से कौन सा फालतू लिख लिया एक फालतू लिखा आपने है ना गिनो एक बारी कितने है? अफगानिस्तान है फिर तो 14 हो गए अच्छा ऐड हाँ अफगानिस्तान भूटान चाइना इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान मंगोलिया नेपाल पाकिस्तान ऐसे तो तीन बार भी लिख सकते थे ठीक है 12 हो गए चलो बच्चे एक ना सिक्योर हिमालय आप अपने आप से देख लेना बट हाउ एवर इसके अंदर जो ये GEF है ना ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये मैं लिखवा देता हूँ आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये थोड़ा सा ना डेप्थ में चला जाता है हालांकि ये पता है किसका पार्ट है ये रियो अर्थ समिट 1992 ये उसका पार्ट है बट हम जब उसको रियो समिट को पढ़ते हैं हम इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं बट हाउ एवर UPSC को तो मतलब रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम जा रहे हो डेप्थ में नहीं जा रहे हो हर सवाल वो डेप्थ का ही पूछता है राइट लेट्स डू इट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी शॉर्ट में लिखते हैं ना कि सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं शॉर्ट में कर लेते हैं ठीक है बच्चे एस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट
इट इज अ फैमिली ऑफ फंड्स डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस. ये इंपॉर्टेंट है. अगला, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस. लिस्ट बनेगी. नंबर 1, ये मैं आपको ट्राई करता हूँ कि उल्टा करके किया ना कि 2017 में कौन सा कन्वेंशन, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट पे चलते हैं. अगर ईयर चेंज हो जाए तो बता देना, मेरे पास ईयर लिखे नहीं हुए हैं. आई एम गेसिंग द ईयर, आई एम रिकॉलिंग द ईयर. गेसिंग इज नॉट द राइट वर्ड. मिनमाटा कन्वेंशन नंबर 1, मिनमाटा कन्वेंशन साइंड इन 2013, एंटर्ड इनटू फोर्स 2017. ठीक है ईयर. एक ना एक कविता है, शायद आपने सुनी होगी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है. तो तुमने तो हाँ करनी ही है. आ जाओ. नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs, Persistent Organic Pollutants. I think it entered into force in 2004. 2001 की signed है ये. Stockholm Convention on POP. Persistent Organic Pollutants. आप लोग ईयर पे फोकस मत करो, आप 5 जो है उसको याद करने पे फोकस करो. राइट, ईयर वाली गेम मैं खेल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल गेम है. नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन CBD. यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD है वो, आई थिंक 1993. नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड, ये UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. मुझे 4 लग रही है, आई थिंक ऊपर एक्सचेंज कराने वाली है. 2 UNFCCC है उसके. अडॉप्टेड कब हुई है? मेरे को अडॉप्टेड का तो याद है 1994 है. 94 ना. लास्ट लिखो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UN. तो ये 5 कन्वेंशंस हैं जिनको GEF फंड करता है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडेड बाय GEF? ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन बन रहा है यहां पे, नॉट फंडेड वाला. या फिर 5 की लिस्ट देंगे आपको, वो ध्यान से सुनिए, 5 की लिस्ट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी, हो सकता है UPSC में, लेकिन उनमें से 1-2 ये नहीं होंगे. राइट, तो इसकी ट्रिक लगाओ, जैसे मर्जी करो, आपको ये याद हो जाना चाहिए. ठीक है जी, एक आखिरी पॉइंट लिख लो, वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज द ट्रस्टी ऑफ GEF. GEF का जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक संभालता है. बच्चे, एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड हमने ना एक टॉपिक किया था रिसेंटली, राइट, जिसके अंदर हमने क्या किया था, याद है?
सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो था कि हम बाहर से सर्टिफिकेट्स लेते थे कि इसके अंदर कोई किसी भी उसमें क्राइम या ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं इन्वॉल्व, किसी भी प्रोसेस के अंदर टिम्बर के वहाँ से लगने से उगने से लेके पहुँचने तक कहीं पे ब्लड तो नहीं इन्वॉल्व किसी भी टाइप का, है ना, तो इसकी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी शुरू करी थी। नेक्स्ट इज दिस मूव उस पर्टिकुलर फील्ड में, ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट कर रही है कि इस साल मेन्स का क्वेश्चन किधर को जाएगा, एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड, राइट। ये लिखिए जरा इसके ऊपर, एक सवाल लिख लीजिए। इंडिया इज ऑन इट्स वे, इंडिया इज ऑन इट्स वे टू फाइनली टैप द फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री, टू फाइनली टैप द फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। इसमें आपको उड़ने का मौका देते हैं, फुल स्टॉप कॉमेंट। मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जब हम कमेंट करने की बात करते हैं, कमेंट कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन, आप कर रहे हो कमेंट, मेरे को मतलब आपके ओपिनियन चाहिए उसके अंदर, यू गाइज हैव टू कमेंट ऑन इट, ठीक है, लगना चाहिए कि आप मेरे से बात कर रहे हो, आप एक्चुअली कमेंट कर रहे हो उस पर। मैं क्योंकि किताब पढ़ रहा हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ वैसे नहीं। और इससे मुझे याद आया, एक कॉमन फीडबैक है मेरे पास में कि थोड़ा सा ना आर्टिकल की फॉर्म में मत लिखा करो आंसर्स, क्योंकि वहाँ पे ना आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने क्या बताना है। आर्टिकल जब आप पढ़ते हो अखबार में, कोई उम्मीद से जाते हो उधर कि आज मेरे को इसके बारे में पढ़ना है, आर्टिकल आपको खींचता है, राइट, कि यार ऐसा होता है, ये है, अब ये हो रहा है और ऐसे है, आर्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग एडिटोरियल में जो आते हैं, राइट, ये नहीं है वो, दैट्स वाई ऐसे पेपर अलग है। तो ये वो चीज़ नहीं है, मतलब नॉट वैलिड फॉर एवरी आंसर, हो सकता है कहीं पे आर्टिकल भी लिखना पड़े, बट जनरली स्पीकिंग तो आप थोड़ा सा अवॉइड किया करो आर्टिकल फॉर्म में लिखने का। सवाल पूछा गया है आपसे, बी टेक्निकल बी प्रिसाइज, ठीक है जी, आ जाओ ये देखते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया दो, आज दो मिल गया ना आज, ठीक है, कोई भी एक अवॉइड कर देना उसमें से, है ना। आई नो आपकी अवॉइड करने की टेंडेंसी है, मैं ये भी कह सकता था कि कोई भी एक कर लेना, है ना, ग्लास इज हाफ एम्प्टी। आ जाओ चलो देखिए बच्चे इसको, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, सबसे पहले तो वो यही सवाल पूछेंगे आपसे कि ये किस चीज के लिए है, राइट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, सो इट इज नोडल मिनिस्ट्री, अलग से मेंशन कर दिए बच्चे आपके लिए। ऑल्सो इट इज एनविजन्ड एज वन नेशन वन पास, करता क्या है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए बेसिकली रिफॉर्म है ये। तो पहले जो बिल्कुल उसके नीचे मेंशन भी कर दिए कि पहले क्या हो रहा था, करंटली क्या हो रहा है, मतलब करंटली क्या हो रहा है, अब फ्यूचर में क्या होगा। पहले हर स्टेट के अलग लॉज होते थे, खासकर लकड़ी से रिलेटेड, वुड वगैरह को ले जाने के लिए, अब एक ही पास चलेगा और आप कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हो ऑल अक्रॉस इंडिया। वो वाली गाड़ियाँ नहीं होती जिसके साइड पे वो नीली पट्टी लगी होती है और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिखा होता है, तो पुलिस वाले कम ही हाथ डालते हैं उसको कि इसके बाद परमिट तो होगा ही, सेम काइंड ऑफ चीज़, ठीक है बच्चे। आ जाओ आगे, नेक्स्ट, अब आगे आगे वाले टॉपिक सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में, टॉपिक थोड़े से ऐसे ब्रीजी ब्रीजी से हैं, कुछ ज्यादा है नहीं, पर अनइम्पॉर्टेंट मत समझना इनको, अगर मेरी एनर्जी कम लग रही है आपको समझाने में, इसका मतलब ये नहीं है टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है, ये थोड़े रटने वाले ज्यादा हैं, मिनिस्ट्री वगैरह याद कर लेना। और रिवीजन तक कहाँ पहुँचे हम वैसे, 20 तक आ गए, दैट मींस नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूरा अपडेटेड आओगे मेरे पास, अ फ्रेश डॉक्यूमेंट एंड सारा प्रीवियसली रिवाइज, है ना, ठीक है गुड। चल रही है तुम्हारी रिवीजन साथ साथ, बीच में रुक जाती है,
रुकने का कारण क्या है कि उन मतलब कुछ कुछ अरे रीजन पूछा है, एक्सक्यूज थोड़ी, रीजन बताओ। इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लग रहा है एक डॉक्यूमेंट को? एक आधा घंटा। कोई जॉब जूब भी कर रहे हो साथ में आप लोग? माइंडसेट से बाहर आने में प्रॉब्लम हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स के टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, रिलेट करके देखना बात से, तो आप इकोनॉमिक्स के फ्लो में आ गए हो, राइट? ठीक है बच्चे, ये माइंडसेट आपको तंग करेगा। रीजन बीइंग, प्रीलिम्स के अंदर एक साथ में सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर व्हेन वी से GS1, GS2, GS3, GS4, राइट? तो इसमें एक साथ में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तीन तीन चार चार सब्जेक्ट्स एक में हैं। हेंस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जेनेरिक होते हैं, तेरा जेनेरिक इन नेचर है ना, कि कोई भी आपका, आप उलझ ना जाओ कि यार इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का, तो इंटरमिक्स हो रखा होता है वहाँ पर टॉपिक्स का। ऑल आई वॉन्ट टू से इज ग्रो आउट ऑफ दैट माइंड सेट, है ना। प्रेशर है नहीं है, प्रेशर तुम फील कर रहे हो। रियलाइज करो मैंने क्या बोल दिया अभी अभी, प्रेशर नहीं है, तुम लोग रिलीज कर रहे हो। आज बोल दो कि गया टेस्ट, नहीं देना मैंने टेस्ट, उसी हफ्ते उसी मोमेंट आप टेंशन फ्री हो जाते हो। और अगर ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती प्रेशर, तो आप रिलीज नहीं हो सकते थे इस थॉट के साथ में, राइट? दैट मीन्स कि प्रेशर आप फील कर रहे हो। मजे में तैयारी करो, मजे में तैयारी करो, इसको एज अ फन डॉक्यूमेंट लो। आप सुबह उठ के पढ़ लिया करो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। 5 ही तो हैं और हमारी क्लास में 6 दिन का गैप होता है, राइट? हम 7th डे दोबारा मिलते हैं। अच्छी एक्सरसाइज हो रही है ये, इसको ना खराब मत करो, कर लो रिवीजन, ठीक है? इसके बाद में जैसी ये अगली क्लास के बाद में हम एक नया शेड्यूल बनाएंगे, जिसके अंदर वील ट्राई कि हम 5 से बढ़ा के उसको 6 या 7 या 8 कर देंगे, ठीक है? देन अगेन वील रिवाइज, तो एटलीस्ट ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स तीन तीन बार तो रिवाइज हो ही जाएं। आइए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक निकालिए। बच्चे टॉपिक नंबर 11 निकालिए, ये थोड़ा सा आप खुद देख लेना। इसके अंदर ना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये वाला टॉपिक, इसको देखना एक बार। लेट्स डू द लास्ट टॉपिक, हाँ जी बच्चे, एक आपका मिसिंग होगा, है ना? आपके घर में 2 बार ही आया 11, एक दे दो इनको। सो बच्चे ये पर्टिकुलर एक कमेटी है। आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में देखिए, पेज नंबर 11, SCLSC, राइट? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। पढ़ रहे हो इसको आप? देखो पढ़ो 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 साथ में। क्या कर रही है? प्रोवाइड लीगल एड टू मार्जिनलाइज्ड, कौन सा DPSP है ये? 39A इट इज, राइट? गुड, लिख लो साइड पे। पॉलिटिकल टेस्ट चल रहे हैं इन दिनों, हो गए? चलो फिर तो गुड है जी। और इसके साथ में ये पर्टिकुलर चीज एक और राइट एंश्योर करती है, विच वन इज दैट? एक तो आर्टिकल 14 तो चिपकाई दिया करो, राइट टू इक्वालिटी, है ना? आपके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए। और आर्टिकल राइट टू बी इनफॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो वाला कौन सा है? आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 2 क्लॉज 1, ठीक है? लिखना है तो लिख सकते हो आप, ये आ सकता है पेपर में।
बच्चे नेक्स्ट पेज पे आइए आप जरा, पेज नंबर 12 लास्ट पे। ये कंपोजिशन एंड ऊपर वाला पढ़ लेना आप एक बार, कंपोजिशन एंड फंडिंग में अगर देखोगे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, टिपिकली कंपोज्ड ऑफ सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी यही खेलेगा आपसे और वो ये टिपिकली वर्ड डालेगा, है ना, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि टिपिकली नहीं हो सकता या कुछ इस टाइप में कंफ्यूज हो गए, वो एज इट इज ये स्टेटमेंट डालेगा, दैट टिपिकली कंपोज्ड ऑफ सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इज हेडेड बाय सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पूरे टॉपिक के अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे यहाँ पे ना एक एक्ट गिवन है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, इसके बारे में दो चार लाइनें लिख लेते हैं कि ये क्या दे रहा है आपको। ये एक्ट 1987 का है और नलसा जो आप बात कर रहे हो वो 19 कब का है, आगे का है, और वो 95 का है, करना चाहिए यार एक बार, आई थिंक 95 में नल 1995 का कॉन्स्टिट्यूट थी, बस वो ईयर देख लो, आई थिंक इट्स 1995। लिखिए आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 95 ना, हाँ, एनेक्टेड इन 1987। टू गिव, समझिए इस चीज को, ये स्टेटमेंट देखना कितनी मजेदार है, टू गिव अ स्टैट्यूटरी बेस, टू गिव अ स्टैट्यूटरी बेस टू लीगल एड प्रोग्राम्स। तो कोई नहीं पूछेगा कि तुझे क्या पड़ी है इसकी हेल्प करने की, राइट? सो वी हैव टू गिव अ लीगल बेस कि मैं तो ये हूं, नलसा के एक्ट उसमें एक्ट कर रहा हूं या जैसे भी है, राइट बच्चे? मॉनिटरिंग बॉडी, नीचे लिख लीजिए मॉनिटरिंग बॉडी नलसा, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1995। मॉनिटरिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करती है और पॉलिसीज को फॉर्म करती है, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। आई थिंक बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेशन वाइड ऑपरेट करती है। दैट इज ऑल, बस अनइम्पॉर्टेंट है बाकी, ठीक है बच्चे? टॉपिक नंबर कौन सा आपने खुद से देखना है अभी एक बार, टॉपिक नंबर 10, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं कि प्रेरणा प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैं मेरे कहने पे एक बार अंडरलाइन कर लो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीजें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट, दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे
तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.